हेलो फैमिली, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता। जैसा आप मुझे जानते हैं एसेट उस्ताद, यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। आज मैं जो आपको जो प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं, ये है 3BHK अपार्टमेंट प्री लॉन्च प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं। बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्री लॉन्च होता है तो आपको प्राइस बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है और आपके हिसाब से आपकी इन्वेंट्री आपको दी जा सकती है। 3BHK का अपार्टमेंट है, 1102 का कारपेट है, तथावरे लोकेशन में। प्राइस है सिर्फ 1,13,00,000 रुपये। मैं तो कहूंगा अगर आप 3BHK का अपार्टमेंट देख रहे हो तो ये लोकेशन आपको विजिट करना चाहिए। जैसा दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली वैसी ही अपार्टमेंट मिलने वाली है। डेवलपर की लेगेसी लगभग 40 से 45 सालों की है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ तो आसपास में सारे स्कूल्स आपको मिल जाते हैं। जहाँ अगर तथावरे की बात बताऊँ आपको तो ये एक एजुकेशनल हब भी है। कई सारे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, स्कूल्स मिल जाते हैं। आसपास में आपने सुना होगा कि आदित्य बिरला हॉस्पिटल है, कई सारे अच्छे और भी हॉस्पिटल्स हैं। तो ये जो है जो आपकी बेसिक चीज़ें रहती है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, कनेक्टिविटी अच्छी है, हाईवे नज़दीक है, तो आप कहीं पर भी जाना है तो हाईवे को एक्सेस करके आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट से। तो एंट्रेंस पर आपको मिल जाती है ऐसी डोर। बेसिकली ये रहेगी आपकी एंट्रेंस गेट ऐसी, ठीक है, लाइक दिस। इसको मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैं अंदर आता हूँ ना, तो ये है आपकी एंट्रेंस की लॉबी। इंटर करने के बाद आपकी लॉबी ऐसी बनती है। एग्जैक्टली जितनी साइज है मैं आपको स्क्रीन पे साइज दे दूंगा, बट हाँ साइज बहुत अच्छी है मुझे जो महसूस करके हो रहा है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आप इंटीरियर कर सकते हो, जैसा किया गया आप कुछ अलग भी कर सकते हो। इसके बाद आती है आपकी लिविंग स्पेस। ये है प्रॉपर आपकी लिविंग स्पेस। वापस बताऊं 1102 का कारपेट है, 3BHK अपार्टमेंट। सैंपल फ्लैट का टूर दे रहा हूं मैं आपको, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है तथावरे लोकेशन में। प्राइस है इसका 1,13,00,000 रुपये। बहुत ही अच्छी बेसिकली प्राइस है, कारपेट बहुत अच्छा है और उससे भी बेटर है जो भी आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। अब नीचे अगर टाइल्स देखेंगे ना, एग्जैक्टली जैसा देख रहे हो वैसा ही आपको मिलेगी। साइज सेम ऐसी मिलने वाली है और इस अपार्टमेंट में आपको मिलेंगे होम ऑटोमेशन और मोशन सेंसर लाइट्स। जैसे मैं जाऊंगा वॉशरूम्स में, आप देखेंगे कि मेरे जाने के बाद वो लाइट्स ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। जाऊंगा तो ऑन होंगे, मैं बाहर आऊंगा तो ऑफ होंगे। तो बेसिकली ये है आपकी लिविंग स्पेस। साइज बहुत अच्छी है, इस तरीके से आप इंटीरियर कर सकते हो। एग्जैक्टली जितनी साइज है स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके बाद आती है आपकी इसको लकल बालकनी स्पेस, जिसको मैं बोलूंगा लिविंग बालकनी। बेसिकली बालकनी में जैसे आप आते हैं ना, तो आपको मिल जाते हैं 3 ट्रैक में डोर, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैस, और ये है आपकी बालकनी, इनक्लोज बालकनी। तो ऊपर से प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसा देख रहे हैं वैसा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये टफन ग्लास, इसकी अगर मैं साइज की बात बताऊँ तो लगभग 12 mm की साइज है, जो काफी अच्छी होती है और बाहर से इस तरीके की फीलिंग आने वाली है आपको। और ऊपर से इनक्लोज रहेगा तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, जितनी मर्जी सेटिंग नीचे कर लो ऊपर वाले नहीं देखेंगे। तो एग्जैक्टली साइज मैं आपको दे दूंगा इसकी। अब चलते हैं फ्लैट के अगले पोर्शन में। आइए, आप लिविंग से आ रहे हो, दिस इज योर डाइनिंग स्पेस। अगर मैं डाइनिंग की बात बताऊं तो साइज अच्छी है, लगभग 6 लोगों के लिए डाइनिंग स्पेस बनाई गई है। इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। आपको चाहिए तो बड़ा डाइनिंग टेबल लगाओगे तो आप 6 से 8 लोग के लिए डाइनिंग स्पेस बना सकते हो। इनफ डाइनिंग स्पेस है, साइज अच्छा, इस तरीके का शैंडेलियर आप लगा सकते हो, काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। इंटीरियर काफी अच्छी लग रही है। अगर आपको ये फ्लैट परचेज करते हो और चाहिए कि आपको ये इंटीरियर वाला, तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप कनेक्ट करेंगे तो ये इंटीरियर वाले से आपको हम कनेक्ट कराएंगे। और ये है आपकी किचन स्पेस। जैसे आप डाइनिंग के अंदर आते हो, ये है आपकी किचन स्पेस। किचन में बताऊं तो ऐसी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगी, एग्जैक्टली जैसा देख रहे हो वैसा ही मिलेगा आपको। चौड़ाई काफी अच्छी है, यहाँ पे आपके गैस स्टोव्स आ जा रहे हैं, सिंक आ जा रहे हैं, नीचे इस तरीके से आपके क्लोज कैबिनेट्स आ जाएंगे लाइक दिस। स्पेस काफी अच्छा है, इस तरीके से आप स्टोरेज के लिए भी बना सकते हो, एक प्लेटफॉर्म अलग से बना सकते हो। एग्जैक्टली साइज में आपको इसकी स्क्रीन पे दे दूंगा, बट इसके साथ आपको एक मिल रहा है स्टोरेज स्पेस, आप कह लीजिए, या मल्टीपर्पज स्पेस। बेसिकली किचन के पास है तो आप किचन स्टोरेज में कह लूँ या मल्टीपर्पज, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा इसकी एग्जैक्टली साइज कितनी रहेगी वो भी स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो ये आपको एक स्टोरेज के लिए मिल रहा है, अगर आपको चाहिए तो किचन में जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। ये एक मल्टीपर्पज स्पेस है, किचन की चीज़ें भी स्टोर कर सकते हो, कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। नाउ अब मैं दिखाऊँ इसके साथ आपकी यूटिलिटी सेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई बालकनी। एग्जैक्टली जैसा देख रहे हैं आप ऐसी आपको डोर मिलने वाली है, स्लाइडिंग डोर नहीं है। आइए लाइक दिस, ये है आपका यूटिलिटी सेक्शन। अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको एक सिंक मिल जा रही है, आपको किचन में एक सिंक मिल गई,
अगर आपको चाहिए कि आपके गंदे बर्तन आपको यूटिलिटी सेक्शन में धोने हैं तो आप यहाँ पे भी धो सकते हो। साइज बहुत अच्छी है, इस तरीके से इनक्लोज मिलेगा, ऊपर एक लॉफ्ट बनाया हुआ है, सेम मिलेगा आपको, सामने से वेंटिलेशन आएगा। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप अपने क्लॉथ हैंगर लगा लीजिए, सामने से आपकी वेंटिलेशन आएगी, या ये जो स्पेस है आपकी वॉशिंग मशीन के लिए आ जाएगी। ऑलरेडी पॉइंट्स एंड आउटलेट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इसकी एग्जैक्टली साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके बन रहे, स्क्रीन पे आपके नंबर फ्लैश हो रहे हमारे, तो आप जाकर कॉल कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। आइए, आप देख सकते हो जैसे आप आगे आ रहे हैं डाइनिंग को, डाइनिंग से आगे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल रही है फर्स्ट आपको वॉश बेसिन, जो काफी मतलब बेनिफिशियल होता है या नेसेसरी है इसकी। आप ऑलरेडी यहाँ पे अगर डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, कुछ भी हाथ गंदे वंदे हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आराम से इजिली धो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको मिल रही है बेडरूम नंबर वन। बेसिकली यहाँ जहाँ पे भी अगर आप ग्लास पार्टीशन देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये समझना चाहिए ये जो वॉल है ना, कन्वेंशनल वॉल है, ये रिमूव की जा सकती है, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो, तो प्लीज कम। ये है आपका बेडरूम नंबर वन। बेसिकली अगर मैं साइज की बात बताऊं तो स्क्रीन पे आपको साइज दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी साइज लग रही है। एग्जैक्टली जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो मुझे साइज नहीं पता होता, ठीक है, बट जो मैं फील कर सकता हूं, मुझे ये साइज काफी अच्छी लग रही है। ये इस साइड में आपको मिल जा रही है आपको वार्डरोब स्पेस। इसका बेनिफिट मैं बताऊं तो आपको ये जो आपकी बेडरूम का जो प्लान है, जो भी साइज है, ये अलग है। ये आपका नीच स्पेस हम लोग कहते हैं, नीच स्पेस का मतलब जो कि आपको प्लान से हटके है, तो ये आपका इंक्लोज है। एग्जैक्टली ये भी अगर मैं बताऊं लगभग 1.5 फीट की इसकी डेप्थ है, आपकी वार्डरोब बन जाएगी, बट ये आपका रूम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ जो मैं आपको स्पेस बताऊं तो लाइक ये भी काफी अच्छा स्पेस है, जो प्लान में आपको दे रहा हूँ वो यहाँ तक है, ठीक है, ये ऊपर का नहीं है, तो ये भी आपका नीचे स्पेस ही हो जाएगा। बेसिकली इतनी इसकी डेप्थ है, इस तरीके से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो। और वेंटिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाती है आपकी विंडोज, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर में आपको मिल जाते हैं 3 ट्रैक में डोर्स, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैच। साइज में आपकी इसकी स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो। ये है आपका बेडरूम नंबर वन। नाउ अब चलते हैं आपके जस्ट इसके सामने कॉमन वॉशरूम आ रही है, तो ये है आपका कॉमन वॉशरूम। बेसिकली एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप ये डोर्स देख रहे हो, सारे डोर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड कलर, टेक्सचर सारे सेम रखे गए हैं, तो इससे क्या होती है ना, प्रीमनेस आती है किसी भी अपार्टमेंट में, ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जैसे अंदर आते हो तो ये है आपकी कॉमन वॉशरूम। बेसिकली आपकी वॉश बेसिन बाहर दे दी गई है, तो यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड स्पेस और यहाँ पे आ रही है आपकी शावर स्पेस। आप ये देख सकते हैं कि ड्राई एंड वेट एरिया को भी अलग कर दिया गया है, ठीक है। आप अगर साइड पे आएंगे तो मुझे ये बताने का मौका मिलेगा, शायद वीडियो में पूरा जानकारी आपको ना दे पाऊं, प्लीज कम। जैसे कॉमन वॉशरूम से थोड़ा आगे आते हैं तो दिस इज योर पैसेज एरिया। बेसिकली कभी भी आप लोग देखते हो ना, तो आप सिर्फ रूम की डायमेंशन की बातें सुनते हो, बट ये भी तो आपको फ्लैट के अंदर मिल रहा है ना, तो ये भी आपका डायमेंशन इसका कुछ बनता है। आप आएंगे जब भी आप फ्लोर प्लान देखेंगे तो ये सारी चीजें को कैलकुलेट करने के बाद आपका कारपेट एरिया निकलता है, ठीक है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर टू, प्लीज कम। दिस इज योर बेडरूम नंबर टू। डिपेंड करता है आप किसको अलॉट करना चाहते हैं, ठीक है, बट फ्रेंकली बताऊं आइडेंटिकली इसको आप बना सकते हो आपका गेस्ट बेडरूम, ठीक है, या बना लो पेरेंट्स बेडरूम, इट्स अप टू यू। बट साइज बहुत अच्छी है, अच्छी खासी बेड लगाई गई है। यहाँ पे आपको देख सकते हो ये आपका वार्डरोब आपके रूम में ही आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बेडरूम नंबर वन में नीच स्पेस दिखाया था, नीच स्पेस का मतलब वो प्लान के अंदर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये आपके बेडरूम के अंदर आ रहा है। इसकी भी डेप्थ लगभग 1.5 फीट के आसपास की है, फिर भी आप देख सकते हैं इजिली हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही होता है कि मैं आपको सैंपल फ्लैट बताऊं, आप जैसे घर को इंटीरियर कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास स्पेस कितना बचता है ये सारी चीजें लगाने के बाद, तो ये आपका जो मैं जा रहा हूँ ये आपका स्पेस बचता है, इनफ स्पेस है। और इस साइड में आपकी आ रही है वेंटिलेशन के ऊपर से विंडोज, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। एंड ऊपर आपको जो मिल जा रहे हैं 3 ट्रैक में विंडोज है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैच। नाउ अब चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम में, प्लीज कर आइए। तो ये है आपकी अटैच वॉशरूम। मैं बताऊं तो यहाँ बीच में आपकी आ जाती है वॉश बेसिन। इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो वॉश बेसिन की ब्रांड है वो कोलार की है, एंड जो आपकी फिटिंग्स है ग्रोहे की है, जो काफी नंबर वन ब्रांड है अपने अपने सेगमेंट्स में। अगर आपको पता करना है तो आप गूगल कर सकते हो। ये कमोड है, यहाँ पे कमोड भी आपको मिल जाती है कोलार की। और इस साइड में आती है आपकी शावर सेक्शन। अगर मैं शावर सेक्शन की बात बताऊं तो ये है आपकी ग्रोहे की, सारी फिटिंग्स ग्रोहे की है। और इवन अगर साइज की बात देखो
तो पहले क्या होते थे ना, जो वॉशरूम्स जो पुराने प्रोजेक्ट बीच में जो बन रहे थे वो सीधे लंबे होते थे, बट ये काइंड ऑफ स्क्वेयरिश शेप में है लगभग, तो साइज आपको देखने में ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे देता हूं, आइए प्लीज कम। अब जैसे सेकंड बेडरूम से आते हैं तो ये आपका पैसेज एरिया होगा, दिस इज योर थर्ड बेडरूम, ये है आपका थर्ड बेडरूम, बेसिकली एक ग्रैंड बेडरूम लाइक मास्टर बेडरूम की तरीके से ये है। इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो, इंटीरियर कर सकते हो, साइज बहुत अच्छी है, आपकी बेड बहुत अच्छी आ जा रही है, सामने आ रहे हैं आपके वार्डरोब, इस तरीके से आप यू नो इंटीरियर कर सकते हो या स्टोरेज काइंड ऑफ बना सकते हो या सेटिंग काइंड ऑफ बना सकते हो, लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। ऊपर ब्यूटीफुल सा शैंडेलियर आ जा रहा है, इस तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, क्रॉस वेंटिलेशन पर्पज से आपको विंडोज एक यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आ रही है आपकी एक मास्टर बालकनी भी, तो वेंटिलेशन आपका वहां से भी फुलफिल हो जाने वाला है। और इसकी बात बताऊं तो ये आपकी क्रॉस वेंटिलेशन काइंड ऑफ आपको वेंटिलेशन पर्पज से यहाँ पे मिल जा रही है। अब मैं दिखाता हूँ इसके साथ अटैच मास्टर बालकनी, तो जो वेंटिलेशन पर्पज है यहाँ से भी आपका फुलफिल होता है। ये है आपके तीन ट्रैक में, दो ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैस के साथ, ठीक है। ऊपर से इनक्लोज्ड होने वाला है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, साइज बहुत अच्छी रहने वाली है, लाइक इसको आप बना सकते हो मल्टीपर्पज स्पेस भी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं छोटा सा रूम का फील आपको दे रहा है, ठीक है। साइज देख लो, जैसा देख रहे हो वैसा ही मिलने वाला है। और एक मास्टर बालकनी है तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसकी साइज एग्जैक्टली मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। अब हम चलते हैं आपके अटैच वॉशरूम में, प्लीज कम। तो दिस इज योर अटैच वॉशरूम, जहां पे आप देख सकते हैं आपकी आ रही है वॉश बेसिन, नीचे एक स्लैब आ रही है, तो इस तरीके से स्टोरेज बना सकते हो या पूरा स्टोरेज बना सकते हैं आप आपको चाहिए तो, क्योंकि ये हाफ ही बनाया गया है इसका, अगर आपको इसका बेनिफिट उठाना है तो पूरा आप स्टोरेज बना सकते हो। ये है आपकी कमोड एंड ये है आपकी सावर सेक्शन, एग्जैक्टली साइज बहुत अच्छी है। जो फिटिंग्स आपको सावर सेक्शन में दिए गए हैं वो ग्रोहे की है, कमोड जो है आपकी कोलार की है, जो वॉश बेसिन है ये कोलार की है, तो साइज बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली साइज स्क्रीन पे दे दूंगा। आपने देखा ये 3 BHK अपार्टमेंट का टू बेसिकली तथावरे लोकेशन में एक काफी प्रीमियम डेवलपर के साथ, वैसे डेवलपर जिनकी लिगेसी लगभग 40 से 45 सालों की है। अगर 40 से 45 साल से कोई भी डेवलपर काम कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि उनका जो प्रोडक्ट होगा वो काफी अच्छा होगा, क्योंकि उसके पहले इन्होंने कम से कम 60 से 70 प्रोजेक्ट ऑलरेडी या तो बना दिए हैं या तो उनके डिलीवर कर दिए हैं या तो बन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो डेवलपर की लिगेसी इतने सालों की होती है उनका यू नो एक उनकी खुद की एक ब्रांडिंग होती है, खुद का उनका एक यू नो कस्टमर का ट्रस्ट होता है उनके ऊपर। तो काफ़ी चीज़ें हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिए गए हैं, जाके आप हमें कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन डेवलपर के बारे में, साइट विजिट कराऊंगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, प्राइस सिर्फ 1,13,00,000 रुपये में आपको ये 3 BHK अपार्टमेंट मिलने वाला है। ये सारी प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आपका है फ्लैट के अंदर की जो भी चीज़ें मिल रही है वो क्वालिटी अच्छी है, टाइल्स की क्वालिटी अच्छी है, फिटिंग्स की क्वालिटी अच्छी है, माइवन कंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपके आउटर वॉल्स को, इंटरनल वॉल्स आपके RCC हैं, कई सारी बेनिफिट है। स्क्रीन पर नंबर दिए गए, जाइए कॉल करिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।